आज हम कैथेटराइजेशन सीखेंगे। बेसिकली कैथेटराइजेशन क्यों करते हैं? अगर पेशेंट वॉशरूम नहीं जा पा रहा हो, अगर वॉशरूम खुद अटेंड नहीं कर पा रहा हो, तो कैथेटराइजेशन लगाते हैं ताकि वो यूरिन पास कर सके। तो कैथेटराइजेशन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो सबसे पहले सर्जिकल ग्लव्स, जाइलोकेन जेली। जाइलोकेन जेली लोकल एनेस्थीसिया, बेसिकली ये लोकल एनेस्थीसिया होती है जो पेन रिड्यूस करता है। फिर हम 10 cc का सिरिंज विथ NaCl यानी डिस्टिल वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन लेंगे, और उसके बाद यूरिन बैग, और ये हमारे पास कैथेटर है। कैथेटर बेसिकली डिफरेंट साइज के आते हैं। हमारे पास जो कैथेटर हो वो 16 साइज का लिया है। तो आइए कैथेटराइजेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये यूरिन बैग को ओपन करनी है। पहले सारे आर्टिकल्स सेट कर लेते हैं। आपको ये बैग खोल लेनी है और इसे कैथेटर के साथ अटैच करनी है ताकि हम, आप देख सकते हैं ये स्केल दिया हुआ है ताकि हम यूरिन मेजर कर सके। देख सकते हैं 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml, मैक्सिमम 1000 ml का रहता है। ठीक है, जब हम इसे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म खुल जाती है। ये इस तरह से जब हम इसको बैक कर देते हैं तो ये फॉर्म बंद हो जाती है। देखे, देख सकते हैं आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कैथेटर है। कैथेटर को खोलने का तरीका है, कैथेटर को आप पहले इतना सा खोल लें, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे ओपन कर लें। उसके बाद यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा वही होता है मतलब जो कि मेल यूरेथ्रा में इंसर्ट करते हैं, एंड फीमेल यूरेथ्रा जो होता है वो वेजाइना के ऊपर एक ओपनिंग होता है, वहीं पे फीमेल यूरेथ्रा होता है और हम इसको वहीं पे इंसर्ट करते हैं। अच्छा, तो फिर आपने ये जाइलोकेन लुब्रिकेंट से पूरे कैथेटर को रब कर लेनी है। देख सकते हैं आप वीडियो में, मैं जैसे दिखा रही हूँ सेम उसी तरीके से पूरे कैथेटर को रब कर लेनी है जाइलोकेन जेली से। उसके बाद इसे यूरेथ्रा में इंसर्ट कर देनी है। जब आप इसे यूरेथ्रा में इंसर्ट कर देते हैं तो आपको पता कैसे चलता है कि ये यूरेथ्रा में ही गया है? तो जैसे ही कैथेटर यूरेथ्रा में जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूरिन निकलना शुरू हो जाता है। तो समझ जाए कि आपका कैथेटर यूरेथ्रा में चला गया है। अब जब आपका कैथेटर ये यूरेथ्रा में चला गया तो आप ये 10 cc वाटर फॉर इंजेक्शन लिए थे वो इस नेजल के थ्रू डाल देनी है। ये आपको बहुत ध्यान से करनी है ताकि आपके हाथ में लगे नहीं। आप देख सकते हैं मैं बहुत ध्यान से यहाँ कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ हम लोग 10 से 20 ml वाटर डालते हैं, डिस्टिल वाटर डालते हैं ताकि ये बैलून जो है वो स्वेल हो जाए। आप देख सकते हैं बैलून स्वेल होना शुरू हो गया। अब इस बैलून स्वेलिंग का क्या मतलब है, चलो आगे देखते हैं। जब ये स्वेल हो जाता है न तो यूरेथ्रा में जो हमने कैथेटर डाला है, तो जैसे आप थोड़ा सा पुल करेंगे, आप हाँ थोड़ा सा पुल करेंगे ये, तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो हम ये जो जाइलोकेन जेली लगाए थे वो बहुत स्टिकी सा, चिपचिपा सा होता है, जिसकी वजह से हमारा कैथेटर कभी कभी क्या होता है कि बाहर निकल जाता है, और जो ये बैलून हमने जो बैलून फिल किया है उसके वजह से कभी भी कैथेटर आउट नहीं हो पाता है। ठीक है, बेसिकली ये बैलून इसलिए फिल करते हैं ताकि ये कैथेटर बाहर नहीं निकले। तो आप इस वीडियो में यूरिन कैथेटर लगाने सीखा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैथेटर यानी फॉलिस बाहर यानी रिमूव कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।